राज्य कर विभाग की टीम ने व्यापारियों के साथ बैठक की। विभाग ने बैठक में वैट टैक्स जमा करने के लिए विभाग की ओर से व्यापारियों को ब्याज व अर्थदंड की दी जा रही छूट के बारे में बताया और समय से टैक्स जमा करने की अपील की। उत्तराखंड के लोहाघाट में टनकपुर शाखा की राज्य कर विभाग की टीम ने व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में सहायक कमिश्नर हीरा सिंह जंगपांगी व एसटीओ जगत सिंह अधिकारी ने वैट टैक्स के बारे में व्यापारियों के साथ चर्चा की। सहायक कमिश्नर ने बैठक में जिन व्यापारियों के वैट टैक्स नहीं जमा है उन्हें 30 सितंबर 2023 तक टैक्स जमा करने को कहा। कमिश्नर जंगपांगी ने बताया कि 30 सितंबर तक बकाया जमा करने पर व्यापारियों को ब्याज व अर्थदंड की छूट विभाग की ओर से दी जा रही है, इसलिए जिले के सभी व्यापारियों से उन्होंने वैट टैक्स को जमा कर विभाग की इस योजना का लाभ उठाने की अपील की और व्यापारियों से विभाग को भी सहयोग देने की बात कही। संबंधित पुरानी बकाया के संबंध में शासन द्वारा नई एक स्कीम लाई गई है, इस पे जो है पुराने वैट अवधि की बकाया को जमा करने के लिए जिसपे बिना ब्याज के बिना पेनल्टी के आप जमा कर सकते हैं। शासन द्वारा एक स्कीम चलाई है वन टाइम सेटलमेंट योजना, इसके अंतर्गत आप लोग जो भी आपकी वैट की बकाया है व्यापार करके और उसमें प्रवेश करके और जो पेनल्टी की बकाया है उनको माफी की स्कीम, केवल उसमें ब्याज माफी की स्कीम करी गई है। आप मूल अगर जमा कर दें तो पेनल्टी और वो आपका माफ कर दिया जाए और ये योजना सितंबर तक है। और ये अगर आपका मूलधन आप किस्तों में जमा करना चाहें तो उसकी भी फैसिलिटी है, आप सितंबर तक किस्तों में भी उसको जमा कर सकते हैं। और अपील के मामले अगर आपके यहाँ आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो अपील से आप उसको विड्रॉ कर लाइए तो यहाँ वो उस स्कीम में लाभ ले सकते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।